मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने एक अनोखा तरीका, जिससे हम एक ही मलाई से देसी घी, बटर, पनीर और ये मावा हम बना सकते हैं। इसमें कुछ भी हमारा वेस्टेज नहीं जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने ये मलाई ली है, ये हमने 7 दिन की मलाई को स्टोर किया था, इसको हमने फ्रीजर में रखा था और हम इसका अब घी निकालेंगे। इसको घी निकालने से पहले हम इस मलाई को फ्रीजर से 2 घंटे पहले निकाल लेंगे ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब हम इसमें ठंडा पानी डाल के इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। ये हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। गर्मी है तो हम ठंडा पानी लेंगे और सर्दी है तो हम गुनगुना पानी लेंगे और ग्राइंड करेंगे इसको। ये हमारा बटर अच्छे से निकल गया है। इसके नीचे का जो पानी है अब हम इसको निकाल के और ऊपर वाला जो बटर है वो हम निकाल लेंगे। हमने इसको छान लिया था, आप देखिए ये हमारा बटर ऊपर आ गया है। अब इसको हम एक अलग बोल में निकालेंगे, जितना हमें निकालना है उतना हम इसको निकालेंगे और फिर जो बचा है उसका हम घी निकालेंगे। ये हमने पैन में डाल के इसको गैस पे चढ़ा दिया है। इसको हम अब सिम आंच पे ही इसको चलने देंगे, ये अपने आप चिकने छोड़ने लग जाएगा। तब तक हम दूसरी साइड जो हमारा पानी बचा था उसका हम पनीर बनाएंगे। घी को भी हम हिलाते जाएंगे। ये देखिए अब होने वाला ही है। दूसरी साइड हमने जो पानी रखा था उसमें हमें लेमन जूस डालेंगे और 2-3 उकाल आने पर हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा दूध फटने लग गया। अब हम इसको छानेंगे। हमारा पनीर फट गया है। अब हम इसको एक जर में डाल के हम छान लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा पनीर निकला। आप मेरा वीडियो पूरा देखें जब आपको पता पड़ेगा कि कैसे हम मलाई की सहायता से बटर, घी, पनीर और मावा बना सकते हैं। पूरा हम इसका पानी निकाल लिए हैं। अब एक वायल का कपड़ा हमने थाली में बिछाया था उसमें हम ये पनीर ऐसे कैसे डाल के इसको पूरा ऐसे कपड़े को बंद कर देंगे और एक भारी वजन का कुछ भी आइटम हम इस पे रख देंगे और आधा घंटा हम ऐसे ही रहने देंगे ताकि हमारा पनीर पूरा अच्छे से सेट हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारा पनीर कितना अच्छा सेट हुआ है। अब हम इसके पीसेस कर लेंगे जब तक हमारा घी भी रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमारा घी अब बनने वाला ही है। चिकना ही छोड़ने लग गया है और ब्राउन हो गया है। बस 5 मिनट इसको हम और पकाएंगे और फिर हम इसको एक बाउल में जिसमें भी हमें छानना है उसमें हम इसको छान लेंगे। ये देखिए हमने इसको छान लिया था, कितना सारा घी हमारा इसमें निकल के आया है और आप देख सकते हैं कि कितना हमारा मावा इसमें से निकल के आया है। आप जरूर एक बार इसको ट्राई करें। देखिए आपके सामने है कितना अच्छा हमारा इसमें मावा निकल आया है। इस मावे से आप चाहे तो मिठाई बना सकते हैं, इसके हम लड्डू भी बना सकते हैं और पराठा बनाने में भी हम इसको यूज में ले सकते हैं। तो देखा ना आपने कितने अच्छे तरीके से हमने एक ही मलाई से कितने सारी चीजें हमारी निकल आई है, कुछ भी वेस्टेज इसमें नहीं गया है। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।